चाल चलन बात सब ठीक होंगे। इतने टाइम बाद फाइनली आज, और आज मैं अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस करने जा रहा हूँ एब्सोल्यूट बारबेक्यू, तो आज उसका करने जा रहा हूँ और लेट्स सी कैसा रहता है फर्स्ट एक्सपीरियंस। चलिए देखते हैं। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हूँ मॉल, कॉज लोकेशन मुझे भी नहीं पता था, तो अब देखते हैं मिल पाता है नहीं फटाफट। तो ये एंट्री है यहाँ पे, ये MGF मॉल है यहाँ पे गुड़गांव में, सहारा मॉल के नियर बाय, बहुत ही फेमस मॉल है। दैट्स वाई सिर्फ इधर ही एब्सोल्यूट बारबेक्यू का आउटलेट यहाँ पे अवेलेबल है, अदरवाइज और कहीं नहीं दिखा मेरे को। नियरेस्ट मुझे यही दिखा हुडा सिटी सेंटर के पास। तो यहाँ पे कुछ शॉपिंग मॉल आ जाता है, चलते हैं। मेरे को फिलहाल अभी तक मिल नहीं रहा कहाँ पर है, बुक तो कर लिया मैंने, देखना पड़ेगा अभी। सो फाइनली इतनी मेहनत के बाद मुझे मिल चुका है फाइनली एब्सोल्यूट बारबेक्यू हमारा, और चलिए अंदर चलते हैं और अपना करते हैं फर्स्ट एक्सपीरियंस। भाई अंदर से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बट इतनी एक एम्बैरेसिंग भी हो रही है, सबसे पहले हम ही पहुँचे हैं यहाँ पे, बिकॉज हमारा लंच बफे था। तो एम्बियंस काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है यहाँ पे, मतलब वाइब अच्छी आती है आपको। और पर्टिकुलर टेबल्स दिए हुए हैं, मिनिमम तो मतलब 4 चेयर्स लगी हुई हैं हर टेबल्स पे, मैक्स जितना मर्जी आप बढ़ा सकते हैं, फैमिलीज कपल्स जिन्होंने जाना जाए यहाँ पे। तो ये थोड़ा बहुत मैंने सोचा घूम लूँ, मेन्यू देख लेता हूँ यहाँ पे, ताकि थोड़ी बहुत शांति लगे मुझे। तो ये सूप वेज, सूप नॉन वेज, गर्मा गर्म काफ़ी है। बिकॉज कई बार क्या होता है ना, खाना देख कर ही भूख ख़त्म हो जाती है, तो दैट्स व्हाई मैं सारा देख लेता हूँ पहले ही। तो ये आ गई हमारी दाल मखनी, अभी शायद पूरा लगा नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा दिखा पा रहा हूँ। और ये आ गए हमारे मलाई कोफ्ते, और ये नेक्स्ट आ गया हमारा सैलड काउंटर, काफ़ी कुछ है इसमें जो हर तरफ मिल ही जाता है। एंड इसमें तो ज़्यादातर तो खाली है, बिकॉज अभी मॉर्निंग आके चेक कर रहा हूँ। ये कोई चिकन की कोई डिश लग रही है, नेम नहीं पता मुझे, तो यहाँ पे डिस्प्ले भी नहीं किया हुआ। और ये नेक्स्ट आ गया हमारा, ये भी कोई वैरायटी ऑफ दाल। और ये नेक्स्ट हमारा लास्ट वन, ये मंचूरियन। ज़्यादातर क्या है कि अभी थोड़े जल्दी आ गए हैं, तो अभी खाना लगना है, मैंने कहा सोचा कि चलो वीडियो ही बना लेते हैं इससे अच्छा। और ये आ गया हमारा तवा चाप, और साथ में चाट काउंटर, और ये हमारा मसाला छास वगैरह, लस्सी वगैरह। और ये हमारा फिश ग्रिल की टॉपिंग्स हैं, जिसमें आप अपने कंसिडर अपना ही आप पास्ता बना सकते हैं, नूडल्स, और खुद से बना सकते हैं। सबसे अच्छा फैक्ट ये है, मुझे अभी पता चला, तो मैं भी बस चलिए चलता हूँ और बनाता हूँ अपने मनपसंद चीज़। सो ये लग गई है हमारी ग्रिल फटाफट, अच्छा लग रहा है। अब होगा सर्व, और सबसे बेस्ट थिंग ये है कि अगर आप लंच के टाइम पे जानते हैं, आपको एक मॉकटेल एज अ कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक मिलती है। तो ये आके कंफर्म कर लेते हैं आपसे कि सर आपको कौन सी ड्रिंक लेनी है, बिकॉज वो एक ही मिलती है, कोई अनलिमिटेड नहीं होती वो। ये आ गया इनका मेन्यू, जिसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, अगर आपने वेज लेना है तो वेज के आइटम्स ये हैं, नॉन वेज के आइटम्स ये रही। और बेसिकली ज़्यादातर सेम ही रहता है, बहुत ही रेयर होता है कि कोई आइटम मिस होती है, अदरवाइज मैंने तो सेम ही सुना चाहता। एंड मेन कोर्स में ये सब कुछ अवेलेबल है, मीन्स एवरीथिंग ही है। नॉन वेज के लिए सबसे बेस्ट है ये प्लेस, नॉन वेज के लिए बेस्ट इसलिए है बिकॉज चकबक, शार्क्स, ऑक्टोपस, एवरीथिंग इज अवेलेबल है। और चलिए थोड़ा बहुत अब सर्विंग शुरू हो गई है। मशरूम, पनीर टिक्का, ग्रिल पाइन एप्पल, तो अभी इन्होंने सर्व किया है अमेरिकन पोटैटो है कोई, एंड ये क्रिस्पी कॉर्न्स है। और अब हमारी आ गई है चिकन की दुकान, जो हमने अभी ऑर्डर किया है, तंदूरी टिक्का, फिश टिक्का, प्रॉन्स, एंड नॉन वेज में वो सारे आइटम्स जो मुझे यहाँ पे फर्स्ट टाइम ट्राई भी करनी थी। चलिए फटाफट इनको टेस्ट करते हैं और बताते हैं आपको ये कैसा है ये सब। ये आ गई हमारी कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स, जो हमने अपनी पसंद की इनको बोली थी, और ये ड्रिंक्स जब आपको लंच में मिलेगी, डिनर में आपको इसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो ये फिश टिक्का क्लियर हो गई एक पूरी, ये प्रॉन्स की हो गई, एंड ये नेक्स्ट आ गया हमारा तंदूरी लेग पीस, सबसे फेवरेट मेरा, और ये आ गया हमारा चरास्को पाइन एप्पल,
ये मुझे इतना ज़्यादा टेस्टी लगा, इसकी हमने लाइव कटिंग इधर ही करवाई, अदरवाइज़ ये कट होके पहले से ही आता है, एंड ये मेरा सेकंड होगा। तो ये पहन लिए हमने अपनी ड्रेस शेफ की, और अब हम बनाते हैं अपना मनपसंद पास्ता, जो मेरी थोड़ी बहुत हेल्प है ये साथ वाले भाई सब करेंगे मेरी। और ये फाइनली रेडी हो गया है, देखने में तो अच्छा लग रहा है। और ये नेक्स्ट आ गया हमारा लाइव पिज़्ज़ा, बनता है यहाँ पे। आप अपनी टॉपिंग कुछ भी रखवा सकते हैं, जो भी आपको खाने का मन हो, ये भी बहुत अच्छा लगता है। वो टिक्की चाट काउंटर सारा कुछ राइट में है, मतलब आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे, एक प्रॉपर एक वेज और नॉन वेज दोनों में ही इंक्लूड होता है, तो आप जो मर्जी खा सकते हैं यहाँ पे, और यही इनकी खास बात है। और ये आ गया हमारा डिज़र्ट सेक्शन, और हर चीज़ है यहाँ पे जिनकी मैंने मे बी नेम भी नहीं सुना होगा, बट अच्छा लग रहा है यहाँ पे सारा कुछ देख के। ये आ गई हमारी चॉको ब्राउनी, एंड ये हमारी टिक्की चाट काउंटर जिसपे पॉपकॉर्न्स भी अवेलेबल होते हैं। और ये मैं बनवा रहा हूँ इस टाइम पे पालक पत्ता चाट, मैंने इसका नेम सुना था बट सोचा इस बार एक बार ट्राई भी कर लें, तो इनको बोला कि चलिए एक बना के दिखाइए, ताकि अगर अच्छी लगे हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे इसे, और देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है, तो आई होप कि सही होगा। कॉन्सेप्ट एक यही एक ऐसी चीज़ है, अदरवाइज सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी यहाँ पे खा के, और काफ़ी अच्छा लगा। तो ये फाइनली रेडी हो चुकी है, चलिए इसे टेस्ट करते हैं। और ये फाइनली हमने लिया हमारा खाना, जिसमें बिरयानी एंड ऑल हम सब ट्राई कर रहे हैं, अच्छी है यहाँ पे टेस्ट, काफ़ी अच्छा लगा खाने का मुझे। और ये आफ्टर डिनर आप इधर गोला भी ट्राई कर सकते हैं, अपने फ्लेवर का इनसे बनवा सकते हैं। एवरीथिंग इज़ गुड हेयर, बहुत अच्छा लगा एक्सपीरियंस, मज़ा आया, पैसे वसूल हुए। थैंक यू सो मच फैमिली, आगे देखने के लिए ब्लॉग्स कंटिन्यू कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।